जगावे यादा नु VN एप्लीकेशन को ऊपर आ जाएंगे। VN एप्लीकेशन पर आने के बाद में आपको प्लस आइकन दिख रहा है, प्लस आइकन पर टैप करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और आपको है जो यहाँ पर फोटो के आइकन पर क्लिक करेंगे और फोटो को एक को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पर एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप ऊपर ऑप्शन दिख रहा है ओरिजिनल का, तो यहाँ पर आप सिंपली टैप करेंगे। टैप करने के बाद में 9:16 का रेजुलेशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर इतना करने के बाद में अब आपको है जो यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में एंड पोजिशन पर जो ब्लैक बैकग्राउंड आपको दिख रहा है उसको हटा देंगे। हटाने के बाद में इसकी लेंथ को है जो आपको बढ़ा देना है, जितना आप वीडियो में रखना चाहते हैं उस हिसाब से लेंथ को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 सेकंड तक रख दिया। 20 सेकंड पर रखने के बाद में आपको यहाँ पर है जो आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद में PIP और स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको एक मॉडल को फोटो को ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटो पर वापस से क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करने के बाद में इस वाले फोटो को या जो भी फोटो आप ऑब्जेक्ट का रखना चाहते हैं उस फोटो पर क्लिक करेंगे और इसकी भी टाइमलाइन को है जो पूरा कर देंगे जितना आपका बैकग्राउंड का फोटो रखा था। फिर आपको क्या करना है, इस वाले फोटो को है जो आपको ऊपर ले जाना है और सही से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद में नीचे की ओर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क का। ठीक है, एंड तक आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मास्क का, तो यहाँ पर आपको लाइनर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लाइनर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसको करने के लिए आपको एक डबल टैप करना होगा। ठीक है, दो बार टैप करने के लिए अब आपका ये जो फोटो है, इस फोटो का है जो आपको ये यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, गोल आइकन दिख रहा है, दो ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सॉरी अप डाउन का एक आइकन दिख रहा है, उसके लिए आपको है जो शेडो को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको है जो हम इतना रहने देते हैं और इसको है जो इतना रख देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा और करना है तो और भी कर सकते हैं, पर हम है जो इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद में ओके पर क्लिक करेंगे और आपको है जो फोटो को सही से ऊपर की ओर पोजीशन में लगा देंगे। ठीक है, इतना लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉन्ग को ऐड करना है। सॉन्ग को ऐड करने के लिए यहाँ पर आएंगे और वापस से स्टिकर एंड फोटो वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास जो भी लिरिक्स सॉन्ग का वीडियो रहेगा या फोटो रहेगा उसको है जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए अब आप है जो हम सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे, सॉन्ग को सिलेक्ट करके यहाँ पर बीच में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है और जो वीडियो अभी हमने सेलेक्ट किया है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे की ओर। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लडिंग का, जो मास्क के एकदम बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पर आएंगे और आपको है जो यहाँ पर डार्क पर क्लिक कर देना है। डार्क कर सकते हैं मल्टीप्लाई या फिर जो भी ठीक लगता है, मैं स्क्रीन यहाँ पर कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसकी ऑपोजिटी को अप डाउन कर सकते हैं, जो भी अगर ऑपोजिटी सही से नहीं दिख रही है इसको फुल कर सकते हैं और यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको है जो लगा देना है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल बीच में यहाँ पर आप लगा देंगे। ठीक है, इतना लगाने के बाद में अब आपका वीडियो है जो बनकर हो चुका है रेडी। सिंपली आपको वापस से स्टिकर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक बॉर्डर PNG को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बॉर्डर PNG को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास बॉर्डर PNG पहले से मौजूद है, तो हम बॉर्डर PNG को ले लेंगे और इसका लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप है जो बॉर्डर PNG को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बॉर्डर PNG, इसको क्या करेंगे हम है जो फिल स्क्रीन कर देंगे। तो फिल स्क्रीन करने के लिए अब आपको नीचे आ जाना है और फिट या फिल के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको इसको है जो बॉर्डर PNG है इसको अभी आपने लिया है, इसकी टाइम लेंथ है लंबा कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपकी वीडियो है जो बनकर हो चुकी है पूरी रेडी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से शानदार वीडियो है जो आप बना सकते हैं VN एप्लीकेशन से। तो होप करता हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।